नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई इंडियंस ने मारी बाजी, 10 रन से कोलकाता की हार। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2021 का पांचवा मुकाबले में रोहित शर्मा की सेना ने बाजी मार ली। केकेआर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी का फायदा नहीं उठा पाई। 10 रन से मुंबई को मिली जीत। कोलकाता नाइट राइडर्स 20 ओवर में 7 विकेट खोकर महज 142 रन ही बना पाई। मुंबई ने ये मैच 10 रन से अपने नाम किया। नीतीश राणा ने सबसे ज़्यादा 57 रन की पारी खेली, लेकिन राहुल चहर ने केकेआर के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया और मुंबई की जीत की राह आसान कर दी। केकेआर को 153 रनों का टारगेट। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 152 रन बनाए। एमआई की तरफ सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज़्यादा 56 रन की पारी खेली, वहीं रोहित शर्मा 50 से चूक गए। उन्होंने 32 गेंदों में 42 रन बनाए। इन दोनों के अलावा इस टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। दोस्तों, अगर आप और जानकारी जानना चाहते तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आंद्रे रसल ने 5 विकेट लिए। मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस मैच में आंद्रे रसल ने महज 2 ओवर फेंके और 5 विकेट बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेज दिया। उन्होंने 7.50 की इकोनॉमी रेट से 15 रन लुटाए। मुंबई के खिलाफ वो 5 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसी सीजन के ओपनिंग मैच में आरसीबी के हर्षल पटेल ने ऐसा करिश्मा किया था। तो दोस्तों, ये था आईपीएल के 5वें मैच का आंखों देखा हाल और हाइलाइट्स। अगले मैच के लिए फिर मिलेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।